और दोनों टीम के खिलाड़ियों से यहाँ पर हमारे संथाल परगना स्पोर्टिंग क्लब रानीरी के सभी कोर मेंबर सभी दोनों टीम्स के सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। और अब मैं क्या इनॉग्रेशन हो पाएगा और सिंपला हैब्रम और इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष श्री पटवारी सोरेन जी और उसके पीछे में इस टूर्नामेंट के उपाध्यक्ष श्री बाबूजी किस्को और उसके पीछे में इस टूर्नामेंट के और सबसे पीछे में विकास जी को आप देख पा रहे हैं और बहुत जल्दी यहां पर इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया जाएगा। वैसे भी लंबा इंतजार के बाद दोनों टीम्स यहां पर लेट से आए और यहां पर दोनों टीम्स के खिलाड़ियों से यहां पर हमारे संथाल परगना स्पोर्टिंग क्लब रानीरी के सभी कोर मेंबर सभी दोनों टीम्स के सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा निर्णायक महोत्सव दो टीम के कप्तान को लेकर के आगे आए और इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष श्री पटवारी सोरेन के शुभ हाथों से टॉस का कॉइन को यहां पर उछाला जाएगा। और आप देख पा रहे हैं इस वक्त यहां पर इस टूर्नामेंट के पटवारी सोरेन के शुभ हाथों से कॉइन को उछाला गया था और पिक ऑफ और बहुत जल्दी यहां पर इस टूर्नामेंट का उद्घाटन का प्रक्रिया पर पूरी हो जाएगी। और इस टूर्नामेंट का उद्घाटन का प्रक्रिया हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे संथाल परगना स्पोर्टिंग क्लब रानीरी के सभी कोर मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक बार फिर से अतिथि मंच में वो विराजमान हो जाएंगे और बहुत जल्दी यहां पर इस टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन मैच YSC गोड्डा वर्सेस नवाई टीम के बीच में यहां पर खेला जाएगा। और बहुत ज्यादा डिले हो गया इसलिए अगला मैच के लिए भी मैं दोनों टीम के प्रबंधक और टीम के कप्तान से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अभी से तैयारी में लग जाएंगे। संथाल परगना स्पोर्टिंग क्लब रानीरी और भाषा बगान क्लब बड़ा फोड़ा आप दोनों टीम के कप्तान और टीम के प्रबंधक से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अभी से आप लोग तैयारी में